आप बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे मोदी जी के, और आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है मुसलमान समाज को, क्या आपका कहना क्या है? नहीं, प्रतिनिधित्व यानी उनके रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही नहीं की मैंने जी, कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन तो मुसलमानों का कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज्यादा है नहीं, तो मैंने उसकी बात नहीं की। मैंने तो ये बात की है कि भाई और मैं तो आज भी मोदी साहब का समर्थक हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो बात है वो ये है कि जो 2014 में जब मोदी साहब आए थे तो एक पॉजिटिव नैरेटिव थी, और उस वक्त उनका जो रिफ्लेक्शन था 11 साल जो हुकूमत की थी उन्होंने गुजरात में, बहुत पॉजिटिव था। वहाँ मुसलमानों ने काफ़ी तरक्की की थी, जो गुजरात की जो ग्रोथ हुई थी उसमें मुसलमान भी बराबर का हिस्सेदार था, और एक पॉजिटिव नैरेटिव थी। आप पूरा 2013-14 तक आप देखें जो किस्म की आवाज़ें अभी आ रही हैं बीजेपी के, आरएसएस या वीएचपी के लोग, कुछ जो बीजेपी की यानी फैमिली के जो लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं जो उस वक्त कभी नहीं थी। और उस वक्त ये था कि किस तरीके की आवाज की बात कर, भाई आप रात दिन आप सुनते हैं आपके टेलीविजन चैनल पे उनके जो आते हैं जो बताते हैं, यानी मेरे लिए दुविधा जो है वो ये है कि फिल्म कुछ और है और उसकी पब्लिसिटी कुछ और है। तो फिल्म में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, यानी जो फिल्म है इनकी 4.5-5 साल की उसमें तो कोई इनका काम ऐसा नहीं है या कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो एंटी मुस्लिम है, लेकिन इनके जो लोग हैं जो बोल रहे हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे ये मुसलमानों के दुश्मन है। तो ये है कि एक तो चलो बीजेपी की अगर पॉलिसी होती है एंटी मुस्लिम और ये जो बोलते थे तो हम कोई सवाल भी नहीं खड़ा करते, लेकिन भाई फिल्म कुछ और है और पब्लिसिटी कुछ और ये, तो वो दुविधा है। मतलब सिर्फ साफ करने के लिए, मतलब आपका ये कहना है कि जो बीजेपी के कुछ नेता मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं उसको, उससे आपको लगता है कि बीजेपी की छवि एंटी मुस्लिम बनते जा रही है और जो आपको रास नहीं आ रही? एक दूसरी बात जो थी कि इसकी वजह से जो पॉजिटिव नैरेटिव था मोदी साहब का, तो उसकी वजह से एक बड़ा तबका मुसलमानों का यानी 15-20% जिसने मोदी साहब को वोट किया था, यानी वाजपेयी साहब को जितने मुसलमानों ने वोट नहीं किया कभी भी, वो मोदी साहब को किया था। तो अकलमंदी ये होती है कि भाई एक तबका है तो और आदमी ये सोचता है कि भाई ये मार्केट शेयर मेरे पास आ गया, ये तो जेब में, अब और मैं कहाँ से लाऊं। तो उसके बजाय जो था उसको भी धक्के मारकर बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि सरकार की नीति ऐसी नहीं है। सरकार की कोई नीति इनकी 4.5 साल की अगर आप देखें तो कोई नीति ऐसी नहीं है कि जो एंटी मुस्लिम हो। तो आप मोदी जी को ये बात बताते क्यों नहीं? आप इनके सपोर्टर हैं, आप उनके नजदीकी माने जाते हैं, आपकी बात वो सुनते हैं, आप ये बात उनको जाके क्यों नहीं बताते? चलो बताएंगे, नहीं ऐसा है, हम हर बार अपना कहीं ना कहीं एक बताते हैं, लेकिन अब लगता है कि क्योंकि वही मैंने कहा ना द्विधा इसलिए कि अगर वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव होती, एंटी मुस्लिम स्कीम ऑफ थिंग्स होती उनकी और ये, तो हम खामोश रहते कि भाई ठीक है चलो, जबकि है नहीं। बल्कि इनकी सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें मुसलमानों के लिए की जो पहले कभी नहीं थी,